देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। वहीं श्रावस्ती में कोऑपरेटिव कर्मियों का बहिष्कार जारी है। बता दें कि कार्य बहिष्कार सहकारिता कार्यालय में धरने पर बैठे हैं कोऑपरेटिव कर्मी। वर्षों से वेतन न मिलने से नाराज चल रहे हैं कोऑपरेटिव कर्मी। कोऑपरेटिव कर्मियों की हड़ताल से धान खरीद पर बेहद असर पड़ रहा है। जिले में सहकारिता विभाग संचालित 27 क्रय केंद्रों पर ताला लटका हुआ है। फिलहाल 15 नवंबर तक हड़ताल पर रहेंगे कोऑपरेटिव के कर्मचारी। तो यह बड़ी खबर आपको श्रावस्ती विभाग बता रहे हैं, जहां पर कोऑपरेटिव कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। इस कार्य बहिष्कार होने के चलते जो है धान क्रय केंद्र जो है धान खरीद पर बेहद असर पड़ेगा। फिलहाल बता दें कि जिले में सहकारिता विभाग से संचालित 27 क्रय केंद्रों पर ताला लटक रहा है। 15 नवंबर तक पूरी हड़ताल जो है जारी रहेगी।